वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो सर्दी में बनाया जाएगा गरम गर्मा गर्म चिकन करी। तो चिकन करी बनाने के लिए मैंने ले लिए है 3 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर और ले लिया है थोड़ा सा लहसुन और ले लिया है 1/2 kg चिकन। तो मैंने ले लिया है कुकर, कुकर के अंदर मैंने तेल गरम कर लिया, साथ ही मैंने डाल दिया ज़ीरा, ज़ीरे को अच्छे से तड़क दिया और साथ ही में मैंने डाल दिया लहसुन। लहसुन को भी गर्म तेल के अंदर डालते ही एकदम लहसुन का रंग चेंज हो गया है। तो उसी के साथ ही मैंने डाल दिए हैं प्याज। प्याज को मैंने लंबा लंबा काट दिया था, नो प्रॉब्लम लंबा लंबा प्याज काटेंगे पर ये एकदम से अच्छे से स्मूथ ग्रेवी वाला प्याज बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चला दिया एक बार अच्छे से और चलाने के बाद ही देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। और प्याज का कलर चेंज होते ही साथ ही में मैंने डाल दिया है टमाटर और टमाटर को भी मैं एक बार बढ़िया से चला दूंगी ताकि इसको भी तेल अच्छे से छूट जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो टमाटर और प्याज का एकदम से कलर चेंज हो गया है। तो साथ ही में मैं डाल देती हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही में डालती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको अच्छे से देती हूँ चलाओ, चला के मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रेंड्स देखिए चलाने के बाद मसाला एकदम से अच्छे से तेल के अंदर गर्म हो गया है। और साथ ही के अंदर इसके अंदर डाल दूँगी 1/2 ग्लास पानी और 1/2 ग्लास पानी डाल के मैं कुकर के ढक्कन को कर दूँगी बंद। तो फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से बना रही हूँ, आपने पहले भी कभी बनाया होगा लेकिन आज आप देख लीजिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और आप इसे ट्राई कीजिए और ट्राई करके आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको बनाया हुआ चिकन कैसा लगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है और 1 सीटी दिलाने के बाद मैंने स्टीम को भी बीच में रख दिया था और आप देखिए मैंने इसको खोल दिया है। खोलने के बाद देखिए कितने अच्छे स्मूथ ग्रेवी हो गया है और इसी के साथ मैं डाल दूँगी चिकन। चिकन को अब इसके अंदर डाल के अच्छे से जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए इसको फ्राई करना है प्याज टमाटर की ग्रेवी के साथ ही। तो प्याज टमाटर की ग्रेवी के साथ इसको फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करने के बाद जब तक इसका तेल रिलीज़ नहीं होता तब तक करना है। तो फ्रेंड, इसी के बीच में मैं थोड़ा सा पानी फिर से डालूँगी, डालने के बाद मैं एक बार इसको अच्छे से फिर से फ्राई कर देती हूँ। तो देख रहे हो फ्राई करने के बाद इसका तेल एकदम से छूट गया है और चिकन भी साथ में लगना शुरू हो गया है। तो हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा चिकन मसाला। चिकन मसाला डालने के बाद इसका टेस्ट और बढ़िया बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए कितना अच्छा से प्याज देखिए कितना जल्दी गल गया है और अब मैं डालूंगी इसके अंदर जितना हमको अपनी ग्रेवी रखना है उस हिसाब से मैंने डाल दिया है पानी। और पानी डालने के बाद मैंने कुकर को बंद कर दिया है और मैंने 1 सीटी दिलवाने के बाद आपको दिखा रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितना ही बढ़िया कलर आया है और कितना ही बढ़िया बन के तैयार हो गया है। तो चिकन के लेग पीस को आप देख के लग रहा है कि लेग्स ने अपना मांस को छोड़ दिया है और देखिए कितना बढ़िया बन गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको शिफ्ट करती हूँ एक पैन के अंदर तो मैं आपको दिखाऊंगी तो कितना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।